पाकिस्तान लगातार हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रच रहा है, षड्यंत्र बनाता है। संयुक्त राष्ट्र आम सभा में पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर का राग अलापने की कोशिश करेगा, लेकिन हिंदुस्तान की तैयारी यहां पर पूरी है। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का प्लान यहां पर बन चुका है। पाकिस्तान बार बार पिटता है लेकिन सुधरता नहीं। पाकिस्तान जिस भाषा का इस्तेमाल करेगा उसी भाषा में जवाब मिलेगा। सरहद पर पाकिस्तान की दहशत की हर कोशिश हो रही है नाकाम। आतंक के आकाओं को मिल रहा है करारा जवाब। घाटी से धारा 370 हटने के बाद पाकिस्तान में खलबली है। पाकिस्तान की तरफ से साजिश रची जा रही है। सरहद पर तनाव बढ़ाया जा रहा है। पाकिस्तानी पीएम प्रोपेगेंडा में जुटे हैं। युद्ध की धमकी दी जा रही है। इसके साथ दुनिया को बरगलाने की कोशिश भी हो रही है। बार बार मात खाने के बाद भी पाकिस्तान सुधर नहीं रहा। पाकिस्तानी पीएम ने सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की है। सऊदी अरब पहले ही पाकिस्तान को कश्मीर के मुद्दे पर दो टूक जवाब दे चुका है, लेकिन पाकिस्तान सुधरने का नाम नहीं लेता। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ साजिशें रच रहा है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र में हिंदुस्तान देगा पाकिस्तान को करारा जवाब। पाकिस्तान जितना नीचे गिरेगा हिंदुस्तान उतना ही ऊंचा उठेगा। ये तय है कि आतंक का केंद्र पाकिस्तान हिंदुस्तान के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के आम सभा में जहर उगलेगा, लेकिन हिंदुस्तान तैयार है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। Our response to them is we soar high. They may stoop low, we soar high. And what I've told you are examples of how we will soar higher. 5 अगस्त के बाद जिस तरह से पाकिस्तान के नेताओं ने हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगला है, उससे साफ संकेत मिलते हैं कि पाकिस्तान एक बार फिर संयुक्त राष्ट्र में नफरत की सियासत करेगा, लेकिन हिंदुस्तान तैयार है पाकिस्तान को जवाब देने के लिए। They may want to mainstream hate speech. It's their call if they want to do that. Poison pens don't work for too long. We are confident that we will soar. We have given you examples of how we will not stoop. भारत ये साफ कर चुका है कि यूएन जनरल असेंबली में वो कश्मीर का जिक्र नहीं करेगा। विदेश मंत्रालय का कहना है कि यूएन के एक जिम्मेदार सदस्य राष्ट्र के रूप में भारत वहां विकास, शांति और सुरक्षा के क्षेत्र में अपने योगदान की चर्चा करेगा। विदेश सचिव ने 370 के मुद्दे पर न्यूज नेशन के सवालों का जवाब भी दिया। 370 का मुद्दा तो एक इंटरनल इशू है, तो इस पे बात यूएन में चर्चा नहीं होगी और हम चर्चा नहीं करेंगे। दूसरी बात यह है कि हम प्रधानमंत्री इस बार जब यूएन जा रहे हैं तो हमारे बहुत सारे मुद्दे हैं, डेवलपमेंट के इशूज़ हैं, क्लाइमेट चेंज के इशूज़ हैं, और भी बायलैटरल और मल्टीलैटरल इशूज़ हैं। उसमें से एक मुद्दा ज़रूर आतंकवाद का है, लेकिन इस पे फोकस नहीं रहेगा। फोकस रहेगा कि भारत का इस अंतर्राष्ट्रीय एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे हमारा क्या किरदार हो सकता है, क्या रोल हो सकता है, और प्राइम मिनिस्टर इस मामले में अपना विजन प्रस्तुत करेंगे। 6 दिनों के अमेरिकी दौरे के दौरान पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। पीएम 20 देशों के राष्ट्राध्यक्षों से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, साथ ही कई मल्टीलेटरल एंगेजमेंट भी होंगे, जिसमें आतंकवाद के मुद्दे पर होने वाला कॉन्फ्रेंस भी बेहद मायने रखता है। प्रधानमंत्री की यूएस दौरे के तमाम मुद्दों में पाक प्रायुक्त आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा होगा, लेकिन पाकिस्तान के तमाम प्रोपेगेंडा के बावजूद 370 के मुद्दे को कोई तरजीह नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकार ने साफ कर दिया है कि एक अंदरूनी मसला है, लिहाजा इस पर बाहर बातचीत की कोई जरूरत नहीं है। मुझे साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज नेशन, दिल्ली।